हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, यानी कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल को समझ रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग आवर्त सारणी में जो कुछ ट्रेंड्स चलते हैं उनके ऊपर बातें करने वाले हैं। सो आपको एक दो पॉइंट्स को जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सो आज की क्लास आपके लिए बहुत आसान बन जाएगी। क्या क्या है वो पॉइंट्स, किन के ऊपर आपको फोकस रखना है वो बताते हैं अभी। आप लोग अपना ध्यान स्क्रीन पर बनाकर रखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। लिखी है उसके साथ एक नंबर लिखा है। जैसे सपोज बात करें, कार्बन के साथ 6 लिखा हुआ है ना, हीलियम के साथ 2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ 1 लिखा हुआ है। ये जो है, जैसे आपको क्लास में रोल नंबर मिलता है ना, आपको क्लास में रोल नंबर अनुक्रमांक मिलता है, ऐसे ही इन तत्वों को भी एक रोल नंबर मिला हुआ है। पर हम इनको रोल नंबर नहीं कहते, हम इसे कहते हैं इनकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। तो हर एक तत्व को जो है उसकी परमाणु संख्या मिली है। पहला काम है आपका 1 से 20 तक के जो तत्व है उनकी परमाणु संख्या याद करना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 से 20 तक कौन कौन से तत्व आते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन नियॉन, आर्गन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। और उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम। तो 20 तक ये कंप्लीट हो गए। इनको मैं नंबर देता हूं इनके। 1 पे हाइड्रोजन रोल नंबर लिख रहा हूं मैं इनका। रोल नंबर मतलब क्या है, इनकी ये परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। 2 पे हीलियम, 3 है लिथियम का, 4 है बेरिलियम का, 5 है बोरोन का, 6 है कार्बन का, 7 है नाइट्रोजन का, 8 है ऑक्सीजन का, 9 है फ्लोरीन का, 10 है नियॉन का, 11 है सोडियम का, 12 है मैग्नीशियम का, 13 है एल्यूमिनियम का, 14 है सिलिकॉन का, 15 है फास्फोरस का, 16 है सल्फर का, 17 है क्लोरीन का, 18 है आर्गन का, 19 है पोटेशियम का और 20 है कैल्शियम का। ये जो इनके लिए प्रतीक लिखे हैं उनका मैं पूरा नाम आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि हमको इनका ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। यानी एक जो हमारे पास एक कोई भी परमाणु हम ले लो, उसका ऐसे एक नाभिक होता है, एक नाभिक होता है जिसके ऊपर कैसा आवेश होता है, जिसके ऊपर धन आवेश होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, धन आवेश होता है, ठीक है। और उस नाभिक के चारों तरफ जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किसमें कितनी कक्षाएं हैं? तो देखो, मैं सबसे पहले एक नियम बताता हूं आपको। सबसे पहली कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सबसे बाद वाली कक्षा, दूसरे नंबर वाली कक्षा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 8, ठीक है। जो तीसरी कक्षा है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम, ठीक है। सो ये पता कैसे चला हमको, जैसे हमारे घर में कमरे होते हैं ना, रूम्स होते हैं, तो कोई कमरा बड़ा होता है, कोई कमरा छोटा होता है, तो हम ये बोलते हैं कि इस कमरे में इतने ही लोग आ सकते हैं, इस कमरे में इतने ही लोग आ सकते हैं, है ना। सो कैसे पता लगाया हमने किस कमरे में कितने लोग आ सकते हैं, उसके लिए एक नियम है यहाँ पर, उसको हम निकालते हैं 2n² से, जहां n का मान होगा 1 2 3 एंड सो ऑन। 1 मतलब ये पहली वाली कक्षा, 2 मतलब ये दूसरी वाली कक्षा, 3 मतलब अगर यहाँ पे तीसरी कक्षा आए ऐसे, ठीक है। सो n का मान 1 रखो इसमें, तो 2 × 1² मतलब 2 आएगा, मतलब ये पहली वाली जो कक्षा है ना इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अब समझे। उसके बाद दूसरी कक्षा 2 × 2² कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो दूसरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम, वो मैंने भर दिए हैं, अधिकतम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जिसके पास इतने इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो वो कहां से लाएगा इलेक्ट्रॉन,
समझ में आ गई बात। तो जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हम भरने की कोशिश करेंगे, बस नियम ये रहेगा कि अंदर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए उसके बाद बाहर वाली कक्षा में जाना है, उसमें 8 आ गए फिर बाहर जाना है, उसमें फिर 18 आ गए फिर बाहर जाना है, ठीक है। और एक और नियम है कि जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहने ही रहने हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहने, 8 इलेक्ट्रॉन रखने ही रखने हैं, ये 2 नियम है। अब जैसे सपोज मैं बात करता हूं, जैसे सपोज ये 5 नंबर बोरोन की बात करता हूं, तो बोरोन की जो परमाणु संख्या है 5। अब मुझे कैसे पता चलेगा बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ध्यान रखना जितनी उसकी परमाणु संख्या उतने उसके पास प्रोटॉन, 5 उसकी परमाणु संख्या है ना, 5 उसका एटॉमिक नंबर है, 5 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। अब 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, देखो सबसे पहले बोरोन का नाभिक बनाएंगे, ठीक है। नाभिक को हम कैसे दिखाते हैं, धन आवेशित होता है नाभिक, तो इसलिए इसे पॉजिटिव चार्ज हम लोग शो करते हैं। इसके बाद हम लोग इसके चारों तरफ कक्षा बनाएंगे, पहली कक्षा। अब मैंने बताया है पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो अब यहां तो भर नहीं सकते क्योंकि नियम है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अब दूसरी कक्षा में चलो, दूसरे कमरे में चलो, दूसरे कमरे में मैं 8 लोगों को रख सकता हूं। अब हमारे पास कितने लोग बचे हुए हैं, 5 लोग थे, 2 अंदर के कमरे में आ गए, 3 बचे हुए, तो वो 3 लोग जो है इस कमरे में आसानी से आ जाएंगे। अभी यहां 5 लोग और आ सकते हैं इस बाहर वाले कमरे में, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। जैसे सपोज हम लोग बात करते हैं नियॉन की, जैसे सपोज नियॉन की बात करते हैं, नियॉन का है, नियॉन दिख रहा है आपको, नियॉन ये रहा, जैसे सपोज हम बात करते हैं नियॉन की, नियॉन ये रहा, ठीक है। परमाणु क्रमांक 10, अब परमाणु क्रमांक 10 को पहले मैं इसके नाभिक को बनाऊंगा, पहले इसके न्यूक्लियस को बनाऊंगा, न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज रखते हैं बताओ, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस नियॉन के सबसे पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो चलो इस कमरे में 2 लोगों को रख दो, 2 लोग रख दिए। अब 10 लोग थे, 10 में से 2 लोग यहाँ आ गए, 8 लोग बचे, वो कहाँ जाएंगे, वो बाहर वाले कमरे में जाएंगे, ठीक है। बाहर वाले कमरे में अधिकतम कितने लोग आ सकते हैं हमने बताया था, और इसके बाद वाले शेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरो, 8 लोगों को इस कमरे में रखो। अब ये कमरा पूरा भर गया, अब इस कमरे में और लोग नहीं आ सकते, लेकिन 10 ही तो लोग थे टोटल, तो 10 लोग 2 कमरे में एडजस्ट हो गए, खत्म कहानी। लेकिन अगर अब सोडियम की बात आएगी किसकी, सोडियम की बात आएगी, तो सोडियम के पास कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, तो सोडियम की कहानी कुछ ऐसे होगी, ये रहा सोडियम का नाभिक, ये रहा सोडियम का न्यूक्लियस, ओके, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और उसके बाद आते हैं इसके फर्स्ट शेल के ऊपर, तो 2 लोग यहां पर आ गए, 1 2। अब उसके बाद बचे कितने हैं, उसके बाद बचे हमारे पास 11 थे, 2 यहां आ गए, मतलब 9 लोग बचे हैं। लेकिन दूसरी कक्षा में आप जानते हैं दूसरे कमरे में 8 ही लोग आ सकते हैं, मतलब अभी कितने हुए, 10 लोग अरेंज हो पाए। अब बचे हैं कितने, हमारे पास एक व्यक्ति ऐसा है जो कि पहले कमरे में भी नहीं आ पाए, दूसरे कमरे में भी नहीं आ पाए, तो उसको कहां रखेंगे, उसको हम तीसरे रूम में लेके जाएंगे, थर्ड रूम में लेकर के, थर्ड रूम में आप जानते हैं 18 लोग आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो वो एक आदमी थर्ड रूम में बैठ जाएगा। तो ये होगा सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजीएस्ट वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ये सोडियम के लिए है, ये नियॉन के लिए है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो काम मैंने सोडियम और नियॉन के लिए किया है वो 1 से 20 तक प्रत्येक जो तत्व है, प्रत्येक जो एलिमेंट है उसके परमाणु के लिए आपको ये काम करना है। पहली चीज तो ये हो गई, देखो ये चीज अगर आपने कर ली, ये चीज अगर आप सीख गए, तो ये चैप्टर में आपके लिए और कुछ बचा ही नहीं सीखने समझने के लिए, आपको चैप्टर से रिलेटेड सारी चीजें पता हो जाएंगी। सो 1 to 20, 1 से लेकर यहां से लेकर ये वाले, सॉरी यहां से लेकर ये इधर वाले, और ये 18 हो गया, और ये 19, 20 हो गया, यहां तक के एलिमेंट्स को हम कवर अप कर रहे हैं। इतना आप सीख गए तो आगे के एलिमेंट्स को भी आसानी से आप सीख जाओगे। चलिए पहली बात समझ में आ गई, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कैसे भरने हैं, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, ठीक है। अब 2 चीजें ध्यान रखो, जो सबसे बाहरी जो कोश होता है ना, जैसे सपोज, अब मैं कोई एलिमेंट का नाम नहीं ले रहा हूं, ना ही किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं, बस मैं ये चीज समझा रहा हूं कि जैसे सपोज किसी एलिमेंट में, किसी परमाणु में, किसी एटम में हमने इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे, हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था वो इस प्रकार से देखा, ठीक है, ऐसे। तो जो सबसे बाहरी कोश होता है, उसे हम कहते हैं संयोजी कोश, वैलेंस शेल, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजी कोश यानी वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम कितने आ सकते हैं, 8,
है ना। तो चाहे यहां दो तीन चार जितने भी इलेक्ट्रॉन हो उनको हम कहेंगे संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कहेंगे संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको किसमें कितने होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट से इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, है ना, ये काम तो आसान है हमारे लिए। देखिए हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक, तो उसके अंदर वाली कक्षा पहली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। हीलियम की दो, तो अंदर वाली में दो। लिथियम का तीन, तो अंदर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन एक व्यक्ति आ पाया, उसके बाद तीसरा व्यक्ति कहाँ जाएगा, वो बाहर वाली कक्षा में जाएगा। ऐसे बेरिलियम का दो और दो बाहर वाली कक्षा में, बोरोन का दो और दो बाहर, तीन बाहर वाली कक्षा में, कार्बन के लिए दो और चार बाहर वाली कक्षा में, ठीक है, दो और पांच, ऑक्सीजन का दो और छह, फ्लोरीन का दो और सात, नियोन का दो और आठ। अब सोडियम का क्या होगा, 2.9 नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पहली कक्षा में सबसे अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में सबसे अधिकतम आठ इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में फिर चला जाएगा, तो दो और आठ यहाँ चले गए, एक बचा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें दो आठ, तीसरी कक्षा में दो, इसमें दो आठ, तीसरी कक्षा में तीन, है ना। के एल एम शेल बोलते हैं इनको, पहला वाला शेल के शेल कहलाता है, दूसरा वाला शेल एल शेल, तीसरा वाला शेल एम शेल, ठीक है। तो के कोश, एल कोश, एम कोश, ऐसे कहेंगे इसको, ठीक है, पहले दूसरी तीसरी कक्षा में बोल रहा हूँ ना, आ के एल एम कोश इसको कह सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.7, 2.8.8, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, 2.8, बताओ 2.8.9 नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर होगा 2.8.8.1, ठीक है, 2882, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है, इसको आप ध्यान से समझना। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा कैसे बताएंगे हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे निर्धारित करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन को हम लोग निर्धारित करेंगे किससे, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम देखेंगे कि कितने आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके आधार पर हम लोग बता पाएंगे कि जो उसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, चार, तो कार्बन के संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, चार। हाइड्रोजन के बाहरी कोश एक ही कोश है, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इसकी संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन, इसके भी संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोश में दो इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोश में दो इलेक्ट्रॉन, इसके संयोजी कोश में दो इलेक्ट्रॉन, क्या समझे, क्या देखना है, सबसे बाहर वाला कोश देखना है, सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट ऑर्बिट देखना है, किसके लिए, संयोजी कोश का पता लगाने के लिए, समझ गए, पता लगा पाएंगे आप संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉन, पहली बात परमाणु संख्या याद कर पाएंगे, ठीक है, गुड। दूसरी बात ऐसे भर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे, गुड। तीसरी चीज उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन बता पाएंगे, गुड। इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या चीज देखनी है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन को आप लिख सकते हैं। तो ये मैं जो जो चीजें आपको लिखनी है वो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहला फर्स्ट चीज लिखनी है सारे तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सारे तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन, जो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो लिखना है कि कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखना है आपको, ठीक है, सबके लिए, एक से लेकर 20 तक सबके लिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको ये लिखना है, दूसरी चीज आपको लिखनी है संयोजकता, संयोजकता इसके आधार पर हम लोग एक चीज डिसाइड करते हैं, संयोजकता, वैलेंसी। अब संयोजकता का कॉन्सेप्ट जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा आपको समझने में समस्या हो सकती है, लेकिन ध्यान देना तो आपको पॉइंट पकड़ना समझ में आएगा। मैं दो तीन यहाँ पर एलिमेंट्स ले रहा हूँ, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हीलियम, चलिए यहाँ पर नहीं लेता हूँ, पीछे चलते हैं जहाँ पर हमने लिखे हुए, जिस जिसके ऊपर बात कर रहे हैं अपना ध्यान सिर्फ उसके ऊपर बना कर रखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर हीलियम की, मैं यहाँ पर उसको अंडरलाइन भी कर लेता हूँ, हीलियम की, ठीक है। हीलियम के बाद बात करते हैं नियोन की, और नियोन के बाद बात करते हैं आर्गन की, इतने इन एलिमेंट्स की बात करते हैं हम लोग। देखो इन एलिमेंट्स में आपको क्या दिख रहा होगा, इन एलिमेंट्स में, इन एटम्स में आपको दिख रहा होगा कि सबसे अंदर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम,
दो सबसे अंदर वाली कक्षा में, पहली कक्षा में के सबसे पहले वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो। तो हीलियम के सबसे अंदरूनी कोश में जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो भरे हुए हैं। नियोन के दूसरी कक्षा में, दूसरे कोश में, एल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अधिकतम 8। तो इसका जो बाहर वाला दूसरा कोश है ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते हैं पूरे फिट हैं। यहां भी देखिए अधिकतम इलेक्ट्रॉन जितने आ सकते हैं पूरे फिट हैं, मतलब कि ये जो मैंने तत्व आपको रेखांकित करे हैं, ये जो मैंने अंडरलाइन करे हैं जो जो एलिमेंट्स, वो कौन कौन से हैं? हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया। इनका आप देखेंगे, इनका बाह्यतम कोश, इनका आउटर मोस्ट शेल, बाह्यतम कोश पूर्ण है, बाह्यतम कोश पूर्ण है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन या हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। इसी को तो हम पूरा बोलते हैं। जैसे ही पूरा हो जाता है फिर हम दूसरे कोश की तरफ चलते हैं, मतलब कि इनका जो बाह्यतम कोश है ये पूर्ण रूप से भरा हुआ है। अब बाकी जो इनको हम नाम देते हैं, इनको हम 3-4 नाम देते हैं, याद रखना। इनको हम एक तो कहते हैं अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस। इनको हम नाम देते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैस। नोबल गैस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इन्हें आदर्श गैस, आदर्श गैस। ठीक है, अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, ठीक है, नोबल गैस, आदर्श गैस, बहुत सारे नाम हैं इनके। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब होता है आइडियल, आदर्श का मतलब होता है आइडियल। एक जैसे हमारी क्लास होती है ना, एक क्लास में अगर सपोज 50 बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो एक बच्चा क्या होता है? टीचर का आदर्श होता है, आइडियल होता है। तो मतलब कि वो बच्चा टीचर का फेवरेट होता है, ऐसे बोल सकते हैं। फेवरेट तो वैसे सारे बच्चे होते हैं टीचर के लिए, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है जो टीचर की जो हर जो एक्सपेक्टेशन है उस पर जो वो काम करता है और उस पर वो फुलफिल कर लेता है उसको। तो ऐसे ही यहाँ पर ये हमारी जो पूरी पीरियोडिक टेबल आपको दिख रही है ना इतनी बड़ी, इसमें ये वाले जो इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं मैंने आपको बताया था, ये क्या है? इनका नाम है आदर्श गैसेस, इनर्ट गैसेस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, कितने हैं ये? 6 एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में। 118 में से 6 तत्व ऐसे हैं जिनको कि हम आदर्श कह रहे हैं। तो कुछ तो खास बात होगी इनमें। क्या खास बात है इनमें? इनमें खास बात यह है कि इनका जो आउटर मोस्ट शेल है, इनका जो बाह्यतम कोश है, ये पूरा भरा हुआ है। तो उसमें क्या खास बात हुई? उससे खास बात ये हुई कि इनको जो है अपना, इनको हम बोलते हैं स्टेबल। क्या बोलते हैं? स्टेबल, मतलब कि अपने आप में स्थाई होती हैं और इनको किसी भी दूसरे तत्व से रिएक्शन यानी अभिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे कि बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं पीरियोडिक टेबल के वो क्या करते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं पीरियोडिक टेबल के, ये क्या करते हैं? ये बोलते हैं भाई हमको तो इनके जैसा बनना है, हमको तो क्या करना है, हमको टीचर का फेवरेट बच्चा बनना है ना, हमको आदर्श बनना है, हमको आदर्श गैस की तरह बनना है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जैसे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वैसे इधर वाले एटम बोलेंगे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन, जो इसके साथ वाले एटम होंगे वो बोलेंगे मुझे 2.8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इसके साथ वाले, मतलब ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या लग जाते हैं? एलिमेंट्स जो हैं वो ऐसा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको हासिल करने में लग जाते हैं। उसके लिए इनको क्या करना होता है? या तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देते हैं, या तो ये अपना, या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक किसी से ले लेते हैं। जैसे सपोज बात करें सोडियम की, जैसे सपोज बात करें सोडियम की, अब मैं सोडियम को अंडरलाइन कर रहा हूं यहां पर, सोडियम को अंडरलाइन कर रहा हूं। देखिए ये रहा सोडियम, सॉरी ये रहा सोडियम। सोडियम में हम देखेंगे कि से जो आउटर मोस्ट शेल है इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है बाहर खाली, 2.8.1। सोडियम का लिख रहा हूं यहाँ पर, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम ने बोला यार मैं तो पूरा पूरा नियॉन के जैसा दिखता हूँ, पूरा का पूरा किसके जैसा दिखता हूँ? नियॉन के जैसा दिखता हूँ, पूरे के पूरे मेरे पास, मैं जो है नियॉन गैस जैसा हूँ, बस मेरे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन ना होता तो मैं कैसा हो जाता? नियॉन के जैसा हो जाता पूरे तरीके से। तो इसने क्या सोचा? इसने कहा कि मैं अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर देता हूँ, अपने 1 इलेक्ट्रॉन का मैं क्या कर देता हूँ? त्याग कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। इसको हटाने पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2.8 हो जाता है, जो कि नियॉन के जैसा हो जाता है। अब ये आदर्श बन जाता है, अब ये कैसा बन जाता है? आइडियल गैस बन जाता है। दूसरा चीज देखो, एक और एग्जांपल देखो, क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया? ये रहा क्लोरीन, देखो
क्लोरीन ने क्या कहा, क्लोरीन ने कहा यार मैं तो पूरा का पूरा आर्गन के जैसा दिखता हूं, मैं पूरा का पूरा किसके जैसा दिखता हूं, आर्गन के जैसा। तो आर्गन क्या है, एक आदर्श गैस है, लेकिन मैं नहीं हूं, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, यहां पर मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसा हो जाएगा, 2.8.8 हो जाएगा। साथ है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने किसी से तो 2.8.8 हो जाऊंगा, आर्गन के जैसा बन जाऊंगा। तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, समझ में आई बात। तो इलेक्ट्रॉन लेना देना क्यों कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लेन देन इसलिए कर रहे हैं ताकि जो है स्टेबिलिटी, ताकि जो है किसके जैसा बना जा सके, आइडियल गैस के जैसा बना जा सके, आदर्श गैस के जैसा बना जा सके। सो हर एक एलिमेंट की चाहत होती है कि वो अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है उसको आइडियल गैस के जैसा बना पाए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन के जैसा बना पाए। उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। अगर उसको इलेक्ट्रॉन देना होगा तो, अगर उसको इलेक्ट्रॉन देना होगा या लेना होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे, सबसे आसान तरीका है उसका बाह्यतम कोश देख करके। तो जैसे मैं बोल रहा हूं क्लोरीन है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.8.7 होता है। अब इसके सबसे नजदीक कौन है, आर्गन, तो आर्गन कैसा है, 2.8.8। तो इसके लिए क्या जरूरत है, इसको प्लस एक इलेक्ट्रॉन की जो है जरूरत है। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन की संयोजकता क्या हो जाती है, क्लोरीन की संयोजकता हो जाती है 1, क्लोरीन की संयोजकता हो जाती है 1, ठीक है। और सोडियम की बात करें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, 2.8.1। इसके सबसे नजदीक आदर्श गैस कौन सी है, नियॉन के, सोडियम के सबसे नजदीक है नियॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2.8। तो ये क्या कर लेता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और नियॉन के जैसा बन जाता है। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई, 1। इतनी बात समझ में आई, संयोजकता कैसे निकालनी है, इतनी बात समझ में आ गई। संयोजकता कैसे निकालेंगे, बाहरी कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, संयोजकता इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको आपको देखना है कि उसको मैं हटाऊं या उसमें जोड़ूं ताकि वो आदर्श गैस की तरह बन जाए, ठीक है ना, वो उसकी संयोजकता होगी। तो जो जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसकी संयोजकता नेगेटिव में आएगी और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी संयोजकता पॉजिटिव में आएगी, सिंपल सी बात। तो सोडियम की संयोजकता प्लस 1 होती है और क्लोरीन की संयोजकता माइनस 1 होती है, दोनों की संयोजकता 1 है, लेकिन क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना है, तो इस हिसाब से जो देने वाला होगा प्लस 1 और जो लेने वाला होगा माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये था हमारा संयोजकता का खेल। अब आप क्या करेंगे, सारे जो तत्व है 1 से लेकर 20 तक, सबकी संयोजकता निर्धारित करेंगे। आप ये भी बताएं मुझे कि जो आइडियल गैस होती है, जो जो हमारे पास नोबल गैसेस होती है, उनकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। पहली चीज समझ में आ गई, संयोजकता कैसे निर्धारित करनी है, ठीक है। दूसरी चीज, तो आप क्या करेंगे, सेम चीज मैं आपको बता रहा हूं, पैटर्न आपको क्या है वो 1 से लेकर 20 तक के लिए वो चीज अप्लाई करके देखनी है। सेकेंड थिंग हमको क्या अप्लाई करना है, सेकेंड थिंग है परमाणु साइज, एटॉमिक साइज। तो परमाणु का साइज का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, परमाणु साइज का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ये रहा परमाणु का नाभिक, ये इसकी पहली कोश, ये इसका दूसरा कोश, ये इसका तीसरा कोश। तो जिसमें कोश बढ़ते जाएंगे परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा, सिंपल, जिसमें कोश बढ़ते जाएंगे परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा। जैसे सपोज मैं बात करता हूं सोडियम की, Na, Na का है 2.8.1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और मैं बात करता हूं कार्बन की 2.6, किसका साइज बड़ा होगा भाई, सोडियम का बड़ा होगा, है ना, सोडियम का बड़ा होगा। इसके अलावा जैसे हम लोग और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज सोडियम के साथ लिथियम ले लो, तो लिथियम का 2.1 है ना, तो कौन बड़ा होगा, सोडियम बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि सोडियम के पास 1, 2, 3 शेल में, 3 कोशों में इलेक्ट्रॉन होंगे, और लिथियम के पास देखो 1 और 2 कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है, सोडियम बड़ा दिख रहा है, सोडियम का परमाणु साइज बड़ा दिख रहा है। तो परमाणु साइज कैसे बताएंगे, जिसमें ज्यादा कोश होंगे उसका परमाणु साइज उतना बड़ा होगा, ठीक है ना। सो 1 से लेकर 20 तक आप इस चीज को निर्धारित कर सकते हैं।
आई होप जो बातें आपको बताई गई हैं वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने ध्यान दिया होगा क्लास में। चीजों को नोट डाउन करें, घर से रिवाइज करें, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी समझ में नहीं आया, जो भी क्वेश्चंस होते हैं प्लीज आप उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी टाइम आप लोग जो है मैसेज या किसी भी मीडियम के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स को जो है रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।